बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ज़ोरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर एक नए सफर का आगाज हुआ चाहता है जी, और इस सफर की खास बात यह है कि आज का जो टूर है ये TDCP, PTDC और रमादा होटल ने मिलकर टूर ऑपरेटर्स को बुलाया है और ये एक फैम टूर करवाया है, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे, कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई बातें हैं। अभी आपको बताता चलूं कि इसके अंदर के पत्रियाटा वाली चेयर लिफ्ट, उसके बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको देंगे कि वो कब खुलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक ओपन डेकर बस का जो है वो इफ्तिताह है मरी के अंदर। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक गोल्फ कार जो है वो यहाँ पर जो है वो चलाई गई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। TDCP ने एक नया रिजॉर्ट बनाया है चारियान रेस्ट हाउस के नाम से, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन देंगे। और इसके साथ साथ जो है वो बांसरा गली से हमारे इस टूर का स्टार्ट होगा, और बांसरा गली में भी ए टाइप हर्ट्स और बहुत सारे वहाँ पे गजीबोज और आर्चरीज और इस तरह की एक टॉक शॉप और कॉफ़ी शॉप बनाई गई है, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो सफ़र का आगाज़ होगा PTDC के हेड ऑफिस इस्लामाबाद से, और PTDC ने दो वैनें जो है वो मख्तस की हैं जी इस काम के लिए, और टूर ऑपरेटर्स आए हैं पूरे पाकिस्तान से। पहला स्टॉप ओवर हमारा जो है वो TDCP इंटरटेनमेंट पार्क है, और ये बांसरा गली में है, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी। तो इंशाल्लाह मज़ीद साथ साथ आपको अपडेट देते हैं। चांदा मांगा, अभी आप कभी वहाँ जाएँ तो वंडरफुल। मरी में रीजनल मैनेजर हूँ मैं, मरी कोटली सतियाँ और रीजन को। तो बड़ा ज़रूरी था कि आप सब लोगों से मुलाकात होती है। बिहेवियर, कल्चरल इश्यूज, को ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने की वजह से, तो हमने उनको बताना है दोबारा, तो हम मरी को रीब्रांड करके उसको पेश कर रहे हैं। हमने उसके लिए कुछ सलाह दी। अच्छी जर्नी का सीक्वेंस ये है कि यहाँ हम चाय लेंगे, तो थोड़ा सा घूमें फिरेंगे, ये बांसरा गली में आपको बताएंगे कि ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या पैकेजेस हैं। आई वांट टू वेलकम GM रहमाता अफजान मिर्जा साहब। यहाँ हम अपने एक आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे, आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा, रिस्पेक्टिव सर जा चुके हैं शायद कपल ऑफ टाइम्स। तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, बड़ी सरीन और चारहान। तो वहाँ पे हम लंच करेंगे, लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे पत्रियाटा, विच इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ मरी, यू नो। वहाँ पे चेयर लिफ्ट है, केबल कार है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको बता देंगे। वहाँ से हम वापस आएंगे क्योंकि आपका रास्ता फिर इधर इस्लामाबाद की तरफ होगा, तो हम यहाँ पे रमादा पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई वॉर्मली मैं दिल की गहराई ना तुम्हें सारे को खुश आमदी, सबको समझ आएगी। टूर कंपनीज का काम क्या होता है कि टूर्स को पैकेजेस की सूरत में डेस्टिनेशंस पे लेके आना, डेस्टिनेशन को प्रमोट करना। आप डेस्टिनेशन मैनेजमेंट में हैं, आप यहाँ सहूलियात सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके होटल्स क्वालिटी बोर्डिंग लॉजिंग एंड फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ब्रिज बनते हैं टूरिस्ट को आप तक लाने के लिए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। PTDC काफ़ी अर्से से, जब से कम अज़ कम मैं आया हूँ, ये रोल प्ले कर रहा है कि हम अपने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर को एक दूसरे से जुड़ें, मिलाएँ, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करें। बट भी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उस टूरिज़म का फ़ायदा उस इलाके के अवाम को, वहाँ की कम्युनिटी को होना चाहिए।
साल पुरानी ये बिल्डिंग है जिसको हमने थोड़ा सा रीडू किया है, लेकिन इसका थीम और ये चेंज नहीं किया। आप इसके अंदर जाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि लग्जरी आपको एक यहाँ पे टच। अब आप उनका विजन देख लें, 100 साल पहले वो आके यहाँ, अभी आना मुश्किल है, तो उस वक्त ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट के मुताबिक आर्किटेक्चर आपको दिस इज व्हाट वी नीड एक्चुअली। आपने अच्छा जी, इस चारियान रेस्ट हाउस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जंगल के बीचों बीच एक रेस्ट हाउस है। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी अंग्रेज़ दौर की, तो ये बेसिकली फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस था। इसको TDCP ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसको एक रेस्ट हाउस बनाया है और पब्लिक के लिए भी खोल दिया है। तो अभी आम पब्लिक के लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके यहाँ पर ये 3 हट्स हैं बेसिकली, एक 3 रूम्स का है, एक 2 रूम्स का और फिर 2 रूम्स का है। तो इसके जो बेहतर ये है कि इसमें पूरी फैमिली एक पैकेज बनाए और पूरा वो एक हट ले लें। चारयान के बाद पत्रियाटा का सफ़र शुरू होता है। डिस्टिंक्शन हासिल है कि आप इसके फर्स्ट राइडर हैं सर इस बस और पाकिस्तान की हिल स्टेशन होगा जिस पे साइट सीइंग ओपन डेकर बस चलेगी मेरी इतला के मुताबिक सर। और ये इसके लिए हमने 3 रूट प्लान किए हैं, 1 इज़ फ्रॉम मरी टू नथिया गली, द अदर 1 इज़ मरी टू कोहाला और द 3rd 1 इज़ मरी टू पत्रियाटा। तो जो मरी टू पत्रियाटा वाला है वो आज इस हम ओपन डेकर बस पे सफ़र करते हुए जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल, पत्रियाटा और बैग और जो नथिया गली वाला रूट है बहुत ही दिलकश है, उसमें बहुत सारी गलियात आएंगी, हम स्टॉप ओवर्स करेंगे और साइट सीइंग करवाते हुए रास्ते में एक दो जगहों पर वॉक ऑन भी करेंगे। और इसका किराया हम रख रहे हैं नथिया गली वाला टूर का भी प्रमोशन ये राइड के तौर पे इसको 1200 रुपया रख रहे हैं और ये जो लोग पत्रियाटा आएंगे तेल की राइड के साथ वापस जाएंगे उनके लिए हम 700 रुपया। सिंगल डेकर बस के एक शानदार सफ़र के बाद हम पत्रियाटा पहुंच चुके हैं और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम ये पत्रियाटा के चेयरलिफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, गोल्फ कार के बारे में इंफॉर्मेशन, एक स्विनीरिया शॉप है TDCP ने नई ओपन की है उसके बारे में और उसके बाद रमादा, ये हम सारा इंशाल्लाह पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं जी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम। और राज की बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से रंग गोरा होता है।